एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट सक्सेस। आज हम इस वीडियो में 16 और 17 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कौन देश में कोयला खनन को पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए सतत विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा? ये करेगा कोयला मंत्रालय। इससे खानों को बंद करते समय पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करना संभव होगा। हमारे कोयला और खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2019 कार्यक्रम में विश्व सुंदरी का ताज किसे पहनाया गया? ये पहनाया गया टोनी एन सिंह को, जो जमैका की रहने वाली है। उन्हें ताज 2018 की मिस वर्ल्ड रही मैक्सिको की वेनेसा पोस ने पहनाया। 2019 की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही हैं ओपेली मेजिनो, जो फ्रांस की है, और तीसरे स्थान पर रही हैं भारत की सुमन राव। मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता का 69वां संस्करण था। राष्ट्रपति भवन ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कृषि, फार्माक्यूटिकल्स, विमानन, डिजाइन, पेट्रोलियम और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थानों के कितने प्रमुख सम्मेलनों की मेजबानी की है? इसका उत्तर होगा 46। इसने विश्व के 98% हिस्से को कवर करने का दावा किया है। ये है गूगल अर्थ। सर्च इंजन की सबसे बड़ी कंपनी गूगल विश्व की सबसे बड़ी मैपिंग सेवा कंपनी है। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय को याद करने के लिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसने 29वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का आयोजन किया? इसका उत्तर होगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। भारत में हर साल 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। WTO कहाँ वर्ल्ड डिजाइन प्रोटोपॉलिश कार्यक्रम की शुरुआत करेगा? इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। इसका उद्देश्य दुनिया भर के महानगरों में समग्र विकास का क्रियान्वयन कर उन्हें स्थायी बनाना है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोसाइटीज ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की स्थापना 1957 में औद्योगिक डिज़ाइन आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के एक समूह द्वारा की गई थी, जिसका नाम जनवरी 2017 में बदलकर विश्व डिज़ाइन संगठन कर दिया गया, यानी कि WTO। किसने राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की? ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया था। एडलवाइस कैपिटल लिमिटेड ECL की सहयोगी कंपनी एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC ने भारत में पहले कॉरपोरेट बॉन्ड ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड को लॉन्च किया। उस बॉन्ड का क्या नाम है? उस बॉन्ड का नाम है भारत बॉन्ड ETF। एडलवाइस कैपिटल लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक है राशेश शाह और इसकी स्थापना 1995 में की गई। किसे यूनेस्को की प्रतिष्ठित विरासत सूची में शामिल किया गया? इसका उत्तर होगा थाइनुअद। थाइनुअद थाईलैंड की 2000 साल से भी अधिक प्राचीन और प्रसिद्ध मालिश की प्रक्रिया है। इसे थाई मसाज भी कहते हैं। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को किया गया। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक है एंड्रे एंजोले। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और प्रधानमंत्री है प्रयुत चनोचा। कौन अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने? अल्जीरिया के पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल मजीद तेबोने अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने। उन्होंने अब्दुल कादर बेंसला का स्थान लिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स। प्रधानमंत्री है नोरेडिन बेदोवा। मुद्रा है दिनार। पीटर स्नेल का निधन हो गया, ये कौन थे? ये न्यूजीलैंड के 3 बार के ओलंपिक चैंपियन और मध्यम दूरी के महानतम धावकों में से एक थे। ये टोक्यो 1964 में ओलंपिक खेलों में 800 मीटर और 1500 मीटर में दोहरा खिताब जीतने वाले अंतिम पुरुष एथलीट थे। इन्होंने
1962 में राष्ट्रमंडल खेलों में 880 गज में एक स्वर्ण पदक और एक मील की दौड़ में दो स्वर्ण पदक जीते। विश्वनाथ आनंद ने अपनी आत्मकथा का अनावरण किया। उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? उनकी आत्मकथा का नाम माइंड मास्टर है। ये पुस्तक विश्वनाथ आनंद और खेल पत्रकार सुसान निन्न द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। कौन 2020 में रोवर्स मार्च 2020 लॉन्च करेगा? ये है नासा। इस रोवर का निर्माण और प्रबंधन नासा के जेट प्रोपेलेशन लेबोरेटरी द्वारा कैलिफोर्निया के पासाडेना में किया गया है। मार्च 2020 प्राचीन डेल्टा जेजरो क्रेटर पर पानी और जीवन के होने की संभावनाओं की खोज करेगा। नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।